लाहौल स्पीति, सबसे पहला, व्हेन डिड चंद्रभागा वैली विच वॉज अ जागीर ऑफ फैमिलीज ऑफ तिब्बत ओरिजिन केम अंडर कुल्लू। चंद्रभागा वैली जो है, जो एक बार देखते हैं लाहौल वाला एरिया है, तो एक तरीके से लाहौल वाला एरिया कुल्लू के अंडर किस समय पर आया है, ये प्रश्न है यहाँ पर। 13, 15, 17 या 18। जब हम इसके ओरिजिन की बात कर रहे हैं या मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले जैसे लाहौल है ना, 8 सेंचुरी के टाइम पर ये कश्मीर का पार्ट हो गया था, ठीक है। फिर जो एरिया है कश्मीर, तभी यहाँ पर कश्मीर का जो आर्ट है ये सारी चीजें डेवलप हुई है। फर्दर फिर जो किंग लाचन उत्पल है ना, लाचन उत्पल आपके लाहौल के रूलर थे, और जो लाहौल है वो उस टाइम पर तिब्बत के अंडर आ रहा था, ठीक है। तिब्बत के पास ये चला हुआ है। लाचन उत्पल ने कुल्लू को इन्वेड किया था। और क्वेश्चन क्या है, अंडर कुल्लू है अभी, क्या है कुल्लू लाहौल और जो फर्दर तिब्बत के अंडर है वो, है ना। तो लाचन उत्पल का जो टाइम था है ना, ये 1080 से ना वो 1110 तक लाचन उत्पल रहे हैं। इस टाइम पर लाहौल के अंडर रहा है कुल्लू। फर्दर फिर इसके बाद जैसे इन्वेजन हुई थी ना, ये हुई थी जैन उल बदीन की, जैन उल बदीन आए थे, ये 1420 से 1470 वाला पीरियड रहेगा। अब ये सारा एरिया मतलब कुल्लू लद्दाख सारा एरिया ने सब तिब्बत के अंडर, लद्दाख इधर तिब्बत रीजन के अंडर चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, अटैक्स हो रहे हैं। फिर जब बहादुर शाह का टाइम आया था ना, तो फिर 1631 वाले टाइम पे जो कुल्लू है ना, इस टाइम पर कुल्लू के अंडर आ गया था। 1631 लाहौल कुल्लू का पार्ट बन गया, तो ये इसके अंडर आ गया, तो 1631 है, तो ये 17 सेंचुरी होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो नेक्स्ट चलता है ना उसके उससे नाम देते हैं, तो जैसे 16 है उसको 17 सेंचुरी बोलेंगे, जैसे 2000 जब चल रहा है तो उसको 21st सेंचुरी बोलते थे। तो जब चल रहा होता है तो जैसे 16 दिख रहा है वो 1631 है, जो 1600 प्लस है वो 17 सेंचुरी में आ जाए, इसका आंसर 17 सेंचुरी। हाँ देख लो, चलो आप ये कहना चाह रहे कि बहादुर है, देखो बहादुर शाह जब आए थे उन्होंने अटैक किया था, ओवरऑल जो ये एरिया था ये उस टाइम मतलब ये 1631 वाला टाइम है जिस टाइम पे वो मतलब ओवरऑल कुल्लू के अंदर आएगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट इज दिस, स्पीति इज नॉट फुट फॉर ह्यूमंस, स्पीति जो एरिया है ये लोगों के रहने लायक जगह नहीं है। ये कौन सा है, राहुल संकेतियां, जवाहरलाल नेहरू, किचनर, रूडयार्ड किपलिंग, मेनली जितनी भी बातें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जब हम स्पीति को देखते हैं ना, ग्रेट हिमालयस है और ग्रेट हिमालयस के पीछे की तरफ है, एक तरफ जांस्कर जाता है एक तरफ हमारा ग्रेट हिमालय जा रहा है, बीच का जो एरिया है ये हमारा स्पीति है ना, ये रेन शैडो रीजन है, इसलिए हम ये बात कहते हैं कि ये इसलिए कहा जाता था कि नॉट फिट फॉर लिविंग, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है। सब लोग ठीक आंसर कर रहे हैं डी। स्पीति का लिटरल मतलब क्या है, चेक कर लो, स्पीति ना, स्पीति का लिटरल मीनिंग क्या है, स्पीति का लिटरल मीनिंग देवभूमि, रतन भूमि, शेल आइलैंड या नन ऑफ दिस। तो हम ये कह रहे हैं रतन भूमि, रत्नों की भूमि ना, स्पीति लैंड ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है, इसके लिए फेमस है, रतन भूमि कहते हैं इसको। हेडक्वार्टर लाहौल स्पीति का ना, अभी लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर क्या है, केलोंग, रिकोंगपियो, काजा या कल्पा, क्या हेडक्वार्टर रहेगा, सब लोग केलोंग बोल रहे हैं, केलोंग, लाहौल स्पीति या लाहौल, जिस एक तरफ लाहौल है एक तरफ स्पीति है
है ना, कुंजुमला पास कनेक्ट कर रहा है। तो जो स्पीति वाला रीजन है, एक तरह से इसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह काजा है ना, स्पीति के अंदर। और वैसे अगर लाहौल स्पीति का देखेंगे आप तो केलांग, केलांग हेडक्वार्टर। अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट, सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है? कुल्लू, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर। बहुत बढ़िया, सब लोग लाहौल स्पीति कह रहे हैं, लोएस्ट शेड्यूल कास्ट। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है ना, ट्राइबल एरिया है सारा, शेड्यूल ट्राइब है, अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, सारी रूरल पॉपुलेशन, कास्ट ज्यादा नहीं है। When did Sikh take over Lahore and rule over it? सिखों का रूल लाहौल के ऊपर कब आया था? जब सिखों की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो किसके टाइम पर रहेगा ये? जोरावर, जोरावर सिंह। इन्होंने पहले लद्दाख को किया था, फिर स्पीति को किया था, है ना। जोरावर सिंह वाला जो टाइम है स्पेसिफिकली, ये 40-41 वाला पीरियड होगा, 1840 और 41। इस टाइम पर ये टोटल सिखों के अंडर आ चुका था। पहले जोरावर सिंह ने अटैक किया था, ठीक है। फर्दर फिर जब एक बार जोरावर सिंह सिखों के अंडर आ चुका है, फिर ब्रिटिश है, ब्रिटिश लड़े थे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, उसके बाद ये एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। ये जो 46 वाला पीरियड रहेगा, फिर ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आ जाएगा। अभी ये सिखों के टाइम पर जोरावर सिंह की वजह से आया था, 40-41 पीरियड। केंग्यूर और तांग्यूर ये स्क्रिप्चर्स है किस कम्युनिटी के? खाम्पा, स्वांगला, लाहौले, किन्नौर, ये ना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। केंग्यूर तांग्यूर ये मोनेस्ट्रीज में पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं ये। तो ये लाहौल है, लाहौलों के हैं, लाहौल वाले रीजन में मिलते हैं, कांग्यूर और तांग्यूर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो रहे। फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब कितना परसेंट रहेगा हमारा? 73.7.19.255%। बिल्कुल दिशा प्रणाम, सब लोग 73 कह रहे हैं, बहुत ज्यादा परसेंटेज है लाहौल स्पीति का, ये शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। तो मेजर लोग यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की तरह होते हैं। लाहौल स्पीति एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1972, 76, 48, 60, ठीक है। इसमें बस ये चीज का, इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे हमारे दिमाग में, वैसे इन्होंने दिया नहीं है, बट अगर 1 नवंबर 1966 होता तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है ना, 1 नवंबर 1966। तो 1960 है, 1960 में ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया था, लेकिन था उस टाइम किसके पास? ना पंजाब के पास। 1 नवंबर 1966 में जब ये हिमाचल का पार्ट बना, उस टाइम पर ये मतलब एक हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1966 में बना, वैसे सेपरेट डिस्ट्रिक्ट 1960 में बन गया था। ये सेम है ना, किस साल में सिख ने कब कंट्रोल ले लिया था, है ना? 1840 कह रहा हूँ, सिखों ने कुछ ये ले लिया था। बढ़िया, 1840। हु स्टार्टेड बुद्धिज्म इन लाहौल स्पीति? इन नॉर्मली 8th सेंचुरी में था, 8th सेंचुरी में किसने बुद्धिज्म को फैलाया था लाहौल स्पीति के अंदर? ना सब लोग पद्म संभव कह रहे हैं, पद्म संभव को गुरु रिनपोचे भी कहते हैं, और इनके ऊपर वो क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु घंटाल मोनास्ट्री है ना, स्पेसिफिकली गुरु घंटाल मोनास्ट्री किसने बनाई थी? ये गोंडला मोनास्ट्री, गोंडला मोनास्ट्री, ठीक है। पद्म संभव है, इनको गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, ठीक है। लाहौल स्पीति में रहते हैं, है ना। तो गोंडला मोनेस्ट्री, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, ये इनके लिए फेमस है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टार्ट किसने किया था बुद्ध। फिर
केलोंग सुंदरी इज अ डेस्टिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केलोंग सुंदरी क्या है? वेजिटेबल है, वाटरफॉल है, क्राफ्ट है, या फिर एक माउंटेन टॉप है? केलोंग सुंदरी, केलोंग सुंदरी ये ना माउंटेन टॉप है, जैसे दिखता है, एक विमेन की तरह दिखता है ना, जैसे एक विमेन लेडी उसके बस चढ़ रही है माउंटेन, कुछ ताकि पीठ में ये उठाया होता है ना, गिल्टा उठाया हुआ है, विमेन की तरह दिखता है, क्योंकि पत्थर जैसे चारों तरफ स्नो होगा, बीच में पत्थर वाला रीजन है, इसमें स्नो इकट्ठा नहीं होता तो ये दूर से दिखता है। सेक्स रेशियो लाहौल स्पीति का ये ज्यादा है, सेक्स रेशियो कितना है? 851, 903, 861, 874, सेक्स रेशियो लाहौल स्पीति 903, बिल्कुल अनुराग ठीक बोल रहा है, 903। गेफेन ना, गेपन गॉड है ये, जमलू देवता है, जमलू देवता के ब्रदर कहते हैं गेपन, तो ये कहाँ पर पैदा हुए थे? शांशा, तौल, डारडा, सरचू, कहाँ पर जो गेपन देवता है ना उनके वो पैदा हुए थे? सब लोग शांशा कह रहे हैं, शांशा गेपन देवता हुए थे, शांशा। हाउ डिड सेन डायनेस्टी केम टू एन एंड इन स्पीति? स्पीति में सेन डायनेस्टी चल रही थी, समुद्र सेन वगैरह, फिर ये क्यों खत्म हुए? क्या ऐसा हुआ था? तिब्बतियन पीपल अटैक्ड लाहौल स्पीति एंड द किंग ऑफ कुलू असिस्टेड इन द एक्सपेडिशन। स्पीति हार्श क्लाइमेट, इसे छोड़ना पड़ा, पीपल ने रिवोल्ट किया, कोई बेटा नहीं था आखिरी किंग का, सब लोग कह रहे हैं कि तिब्बतियन पीपल अटैक्ड लाहौल स्पीति एंड द किंग ऑफ कुल्लू असिस्टेड द एक्सपेडिशन। 76 सेन वाला टाइम चला गया, सेन डायनेस्टी में फिर खत्म हो रही है। क्रिश्चियन मिशनरीज कुड नॉट सक्सीड इन लाहौल बिकॉज, क्यों? डिफिकल्ट था यहाँ पे पहुंचना, फॉलोअर बुद्धिज्म के है, धर्मोत्साहित है, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, इंटीमेटली कनेक्टेड नहीं था विद ट्रेडिशनल लाइफ है ना, एलिनेटेड था आउटसाइडर्स से, या प्राउड है रिलीजन के, जो अपने पास्ट के रिलीजन है, एंसेस्टर्स है, तो ये बिल्कुल बी आंसर कर रहे सब लोग इसका, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म है, रिलीजियस है लोग। नोनो वजीर किस स्टेट से रिलेटेड है ना? नोनो वजीर, बुशहर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, सब लोग यस, नोनो वजीर, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति टर्म यूज कर रहे हैं, जो नोनो वजीर थे, इन्होंने हेल्प किया था 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था नोनो वजीर ने, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी हेल्प हुआ था, जैसे राय बहादुर है, उस टाइम पर राय बहादुर का टाइटल दिया था वजीर अमीर चंद को, तो वजीरों के पास एरिया रहता था, तो नोनो वजीर, ये भी पूछा मैं कहाँ है ना, कहाँ पाए जाते हैं? लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। इन विच ईयर टू पार्ट ऑफ लाहौल, ब्रिटिश एंड लाहौल चंबा वर एडेड टू मेक वन लाहौल, ठीक है, थोड़ा पार्ट लाहौल ब्रिटिश, लाहौल चंबा, कब इनको मर्ज किया गया था, जोड़ा गया था? 1847, 57, 75, none of the above, कब इनको जोड़ा गया है? बहुत लेट हुआ है, यस ना, सब लोग सी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है 1975 ना, इस टाइम पर जब 1975 वाला पीरियड आया था उस टाइम पर मर्ज कर दिए गए थे। ब्रिटिश लाहौल, लाहौल स्पीति कम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के पास कब आया था? जब हम कह रहे हैं ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये हमारे ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच हुई है 1846 में, यस अनुराग और प्रभु, सब लोग 1846 कह रहे हैं, 1846 के टाइम पर ये एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका है। उसके बाद ब्रिटिश ने नेगी बनाए थे, बलीराम नेगी, बलीराम वॉज दी फर्स्ट नेगी, लाहौल स्पीति, लाहौल का पहले नेगी बलीराम जी है, तो इस टाइम पर 1846 गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। फर्स्ट प्राइमरी स्कूल केलोंग में कब खोला गया था? 51, 61, 1881, कब पहला प्राइमरी
स्कूल खोला गया था। बढ़िया प्रणव अनुराग, सब लोग 1861 कह रहे हैं। AW हाइड है, हाइड ने किया था इसको 1861। विच किंग ऑफ स्पीति अटैक कुल्लू एंड मेड हिम हिज प्रोटेक्टरेट, किस रूलर ने ना स्पीति के कुल्लू पे अटैक किया था? समुद्र सेन, चेत सेन, हेमंत सेन, राजेंद्र सेन? स्पीति के राजा जिन्होंने अटैक किया था, कौन है ये रूलर? समुद्र सेन, चेत सेन, हेमंत सेन, राजेंद्र सेन? बिल्कुल अनुराग, राजेंद्र सेन है। बिल्कुल ना, राजेंद्र सेन के टाइम पर अटैक हुआ था ना, कुल्लू को प्रोटेक्टरेट ले आया था, तो राजेंद्र सेन रूलर रहेंगे। वजीर ऑफ लाहौल स्पीति वाज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ राय बहादुर फॉर हेल्पिंग द ब्रिटिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन से वजीर है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हेल्प किया था और फाइनली राय बहादुर का इनको टाइटल दिया गया था? नोनो, अमीरचंद, वीरचंद, गुलाब सिंह? बिल्कुल प्रणव, सब लोग अमीरचंद कह रहे हैं। अमीरचंद ना, इनको वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर इन्होंने हेल्प किया था। पहले नोनो वजीर थे 1857, और फिर अमीरचंद है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन्होंने हेल्प किया था। लास्ट विलेज स्पीति का यहाँ पर, गेमूर, सलो, ब्रिगू, लोसर? बिल्कुल लोसर वॉज द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति। क्या तो स्पीति के क्वेश्चंस हैं?